बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइज टुडे इज़ द लास्ट डे जो आप ये डील अवेल कर सकते हैं एट फिफ्टी रुपीज में वे प्रोटीन और बी सी डबल ए लास्ट डे टुडे गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ गो कैरेट पुरानी ऐड किया जाती है मुझे राइट गो कैरेट वीज अ पावर सचिन तेंदुलकर एम शोर यू वर नॉट इवन बॉन्न बट दट वॉज द मोस्ट वायरल एट बैक इन डेज एनी वेज कट टू दीडियो इट्स अ सीरियस वीडियो गाय सो आई थॉट जस्ट विल टोइंग बिफोर दट गाइज़ uh, uh, कि मैं वीडियो क्यों कर रहा हूँ दिस वीडियो आई एम डूइंग इट बिकॉज यू नो मेरे पास कई रिक्वेस्ट आते हैं ऑन अ डेली बेसिस वेर गाइज में कि गाय सर मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे एक अच्छी मेंस फिजिक बॉडी चाहिए एंड आई वॉन्ट टू गेट डाउन टू अनीमल बॉडी फैट लेवल मिनिमल बॉडी फ़ैट किसी का कुछ भी हो सकता है यू नो कई लोग चार परसेंट में चार परसेंट कई लोग दस परसेंट में खुश हो जाते हैं आठ परसेंट में खुश हो जाते हैं लेकिन एट परसेंट टू नाइन परसेंट इज़ अ रीजनेबली गुड बॉडी फैट फॉर समबड़ी हु वांट्स टू कम्पीट बहुत अच्छा बॉडी फैट माना जाता है सिंगल डिजिट जिसको हम कहते हैं ना उसी सिंगल डिजिट में कई लोग ऐसे हैं जिन्हों जो अपने आप को काफ़ी पुश कर देते हैं गई सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक डेथ्स इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो सबसे पहले जिसने जिसने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को हिला दिया था शायद आप आप में से कई लोग जो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे जो मैं बात कर रहा करूँ एंडिया मुंजर की जो 96 में हुई थी गायज इन्हों ही ये कि कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने ये हमेशा टेंथ या नाइन्थ या फोर्थ तक इनका बेस्ट रहा है नाइन्टी में इनकी डेथ हो गई थी गाइज और ये सबसे जिसे कहते हैं ट्रैजिक एंड एट द सेम टाइम बहुत शॉकिंग डेथ थी आप उनको उनकी एज कितनी थी सिर्फ थर्टी वन ईयर्यर्स एंड अगेन लाइक मैनी अदर्स बॉडी बिल्डर्स एंड्रियाज भी यू नो ही वॉज ऑबसेस विद लोअर बॉडी फ़ैट कि मेरा बॉडी फैट बहुत लो रह सके और, uh, और यह हुई कैसे थी मैं इसमें थोड़ी आपको पिक्चर्स डालूँगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया एक्चुअली ये पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल हुई थी थोड़े दिन पहले एंड विच यू शुड नो लोग गेस्ट कर रहे थे किसकी फोटोग्राफ होगी सो टर्न आउट लेटर दट वॉज एंडजर दर विच हैपन बैक इन द डेज नाइन्टी सिक्स एम टॉकिंग वीम एंड बीस साल से भी ऊपर की बात हो गई है राइट right? तो हुआ क्या अगेन जैसे हर उसकी कहानी होती है यू नो बिकॉज अंडरस्टैंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट और ये स्पोर्ट ऐसी है कि यू नो द कॉन्सिक्वेंस अगर आप किसी भी ड्रग को किसी भी चीज़ को अब्यूज़ यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ़ द बॉडी बिल्डर्स यू वुड नो वो बहुत जैसे कहते हैं ना हाइपोकान हो जाते हैं उन्हें पता होता है कि कोई भी जरा सी प्रॉब्लम होती है मैं काफ़ी इंडियन बॉडी बिल्डर्स को जरा सी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली दे गो गोड हॉस्पिटल बिकॉज उन्हें पता है वट डे आर प्लेइंग विद सिमिलरली सिमिलरलीपन विद एंड्रियस टू यू नो ही कम्पीटेड एंड ही केम बैक और उनके पेट में काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया पेट में दर्द होने की वजह से यू नो एन ही वेंट टू दी हॉस्पिटल को ठीक नहीं हुआ हॉस्पिटल से पता लगा ऑब्वियसली दैट यू नो ही वाज ब्लीडिंग इंटरनली उनका लीवर फेल हो चुका था किडनी इसलिए फेल गई थी बिकॉज किडनी कुम स्टोर वाटर बिकॉज वो कम्पीट कर रहे थे कंपीट करने की वजह से बिकॉज ही वाज ऑन लॉड ऑफ डायरोटिक्स जिसे कहते हैं जो जो आपकी बॉडी से पानी निकाल देते हैं जो किडनी हैड नो वाटर व्हाट्स एवर किडनी डिनो हार्ड फंक्शन वो किडनी फेल होगी किडनी फेल होने के साथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो लिवर के साथ भी हो गया एंड बोम ही क्रैश एंड ही कोलेप्स गाइज ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइज की दी ऑप्शेशन विद लो बॉडी फैट यू नो ये लोक यू एंड एट द यंग एज ऑफ थर्टी थर्टी वन आप आज की बॉडी बिल्डर्स भी देख लो द न्यू एज डेड ही डाइड एट ट्वेंटी सिक्स यू नो रिच पियाना हैट एवर यू गेटिंग इन टू जो भी आप uh, अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मैं फिर बोलता हूँ गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज की कॉन्सिक्वेंसिस बहुत लीथल है अगर आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो गाइज ये मैं वीडियोस आपको इसलिए करता रहता हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू एजुकेट यू एंड टेल यू दी अदर साइड ऑफ इट इज़ बिकॉज आप हमेशा ट्रेनिंग देखते रहते हो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते रहते हो मैंने कई बारे में एनिबॉलिक्स के बारे में बात करी सप्लीमेंट्स के बारे में बात की बट ये एक उसका दूसरा पहलू है उसका दूसरा एक नज़रिया है उसी चीज़ को देखने का सो एंड्रियज मोनजर वॉज द मोस्ट ट्रैजिक डेथ ऑफ बॉडी बिल्डिंग तीस साल की गवर्नमेंट की मौत हो गई और अपनी बॉडी और वही फिर काफ़ी डिबेट शुरू हो गया कि ये किस लिए हुई है कैसे हुई है तो अगेन ये हमेशा हम कई हम हम इसलिए हम एनबॉलिस को इसके बारे में ब्लेम करते रहेंगे बट गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस चाहे इसका नज़रिया कुछ भी हो डीज थिंग्स डू इम्पैक्ट यू समवेयर और दी अदर एटलीस्ट यू नो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो एंड यू नॉट अब्यूजिंग एनी थिंग आई सिंगल डिजिट बॉडी फैट लेके आना इट्स अ गुड थिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा शीशे में देखने अच्छा लगेगा लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है बाहर से तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे रिप्ट दिखेंगे लेकिन अंदर से अगर आप रिप्ट हो गए मतलब अगर आपने बॉडी से पानी निकाल दिया किडनी विल फेल ट्रस्ट मी गाइज बहुत ही गंदे ही इसके साइड इफेक्ट्स यू नो यूर एक्चुअली प्लेइंग विद योर लाइफ गाइज मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको सिर्फन जो भी करिए सेफ होके करिए अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग आई लव दिस प्रोफेशन आई लव दिस दिस होल होल्थेट गेम ऑफ एस्थेटिक्स बट गाइज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू ओन हेल्थ जान है तो जहाँ है जैसे कहते हैं राइट तो इसीलिए वट एवर आई डू आई थोड़ आई शुड एक्सप्लेन दिस टू आई शुड टेल यू जो सबसे इसे कहते हैं ना शॉकिंग डेथ थी जो सबसे uh, uh, सब पहले नजरिए लोगों की नज़र में आई डेथ की अरे एकदम से आप उठो बूम द पर्सन इज गॉन कम्पीट करा सडनली आधे घंटे के अंदर अंदर बूम नेक्स्ट वीकट टू नो दैट पर्सन डाइट मैनी बहुत ज़्यादा केसेज हुआ है ऐसे हुए गाइस लेकिन ये कैसा जो बहुत प्रोमिनेंट और आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है आई थोड़ा शुड शेड विद यू अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में